फाइनली यार मेरी पसंदीदा मूवी का ट्रेलर आ चुका है, जिसका नाम है वाल्टर वेराया जोके। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बताता चलूंगा मेरे इंस्टाग्राम के पेजेस हैं, जिनकी पिक्चर मैं यहाँ पे चला रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो जाके उधर फॉलो करो। यार कोई भी बातचीत करनी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हो, इंस्टा पे DM भी कर सकते हो। वीडियो कैसी आप लोगों को लगती है कमेंट सेक्शन में बताया करो, और क्या इंप्रूवमेंट होने की जरूरत है वो भी बताया करो, ताकि यार मजीद से मजीद मैं अच्छा क्वालिटी कंटेंट आप लोगों के लिए ला सकूँ। तो वीडियो का हम आगे बढ़ाते हैं जी। आज की जो वीडियो का टॉपिक है हमारे पास है जी, फाइनली वाल्टर वेराया का ट्रेलर रिलीज़ हो गया, जो कि मूवी 13 जनवरी 2023 को रिलीज़ हो रही है। क्योंकि बहुत ही अरसे से ये वेटिंग पे था, इससे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास आया इसकी फर्स्ट लुक आई पहले चिरंजीवी सर की, और बाद में अगर हम बात करें हमारे पास आई जी फर्स्ट लुक रवि तेजा की। तो दोनों की फर्स्ट लुक्स आ गई हैं हमारे पास। अब फाइनली ट्रेलर भी आ चुका हुआ है, उसको मैंने जो फर्स्ट लुक्स वगैरह उसको भी मैंने डिस्कस किया था, तो आप ट्रेलर को भी करेंगे। स्टार कास्ट में जो मेन आते हैं जी चिरंजीवी हैं सर, तो चिरंजीवी सर की ये है 54th फिल्म है, ठीक है। इससे पहले उनकी एक मूवी आई है अगस्त के महीने में आई थी, गॉड फादर, मेगा एंट्री थी, क्या कमाल की मूवी थी। लेकिन वो था रीमेक लूसीफर मूवी का, वो भी हिट ही साबित हुआ था, गॉड फादर भी हिट था। ये जो गॉड फादर थे सलमान खान सर भी इसमें थोड़ा सा उन्होंने स्पेशल अपीयरेंस दी थी इस मूवी में। हम बात करें जी इनके अदर स्टार कास्ट में, तो रवि तेजा आते हैं। रवि तेजा मेरे बहुत ही फेवरेट हैं, तमिल तेलुगू इंडस्ट्री में ये मूवीज़ कर चुके हैं, तो मेरे तो बहुत फेवरेट, मुझे तो बहुत अच्छी इनकी मूवीज़ लगी। अगर हम बात करें मेरी तो इनकी सारी मैंने इनकी मूवीज़ देखी हैं। जो फेवरेट मूवीज़ हैं कुछ हैं उनके मैं आपको नाम बता देता हूँ जी। अकबर एंटोनी हीरा आया था जी, बात करें डॉन सीनू की, बात करें पावर की, करें नीला टिकट की, करें राजा दा ग्रेट खिलाड़ी की, जो भी हैं इनकी मूवीज़ बहुत ही कमाल कर देते हैं जी। और फीमेल जो एक्ट्रेस हैं वो हैं श्रुति हसन। श्रुति हसन आप लोगों ने भी और हम सब देख चुके हैं जी, तमिल तेलुगु के अलावा वो हिंदी में मूवीज़ में भी कर चुकी हैं। जो मुझे उनकी फेवरेट मूवी लगती हैं वो हैं गब्बर इस पैक, अक्षय कुमार सर के साथ आई थी, कमाल की एक्टिंग उसमें की थी। उसके अलावा रेस कुरम में भी थी अलू अर्जुन के साथ। ये दो मूवी मेरी फेवरेट हैं जो कि मैं कई बार देख चुका हूँ। तो यार आइए ट्रेलर की जानी पढ़ते हैं, देखते हैं ट्रेलर कैसा है। और एक बात और मैं बताता चलूँ कि ये मूवी 3 जबानों में रिलीज़ हो रही है, हिंदी तमिल तेलुगु में, ठीक है जी। तो अब आइए ट्रेलर की जानी पढ़ते हैं, देखते हैं ट्रेलर कैसा है। तो जी लेट्स प्ले द ट्रेलर। कमाल का एक्शन हो गया जी। वो तेरे है। वाह क्या बात है, चिरंजीवी सर की रोडी लुक में आए हैं। वाह क्या बात है, वो कमाल हो गया यार।
हो यार, क्या बात है यार, ट्रेलर देख के मजा आ गया। कमाल की एक्टिंग है, एक्शन कमाल का है यार। वैसे VFX भी प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अब पठान का भी ट्रेलर था, बहुत ज्यादा हाइप थी, नो डाउट हाइप होनी भी चाहिए। एक बहुत ही अरसे बाद मजे का ट्रेलर आया है बॉलीवुड में एक। तो अब ये देख ले, मूवी तेलुगु है, कमाल का इन्होंने का एक्शन है, कहीं से मूवी स्लो नहीं लगती, ट्रेलर जबरदस्त है सारा। इन्होंने देखे, एक्शन भी है, कॉमेडी भी है, रोमांस भी है, सब कुछ उन्होंने तड़का दिया हुआ है मूवी में। कमाल, मजा आ गया। जिसे कहते हैं ना, ट्रेलर बनाने का हक होता है। तेलुगु इंडस्ट्री और तमिल की है इनकी, नो डाउट। अब तो कनाडा भी बहुत ऊपर ले गई है, बहुत मजा आता है उसके भी ट्रेलर जो भी आते हैं, मूवीज कमाल की हो जाती हैं। तो बॉलीवुड को भी इनसे सीखना चाहिए यार, कुछ क्वालिटी कंटेंट करो इनका। जब भी मैं ट्रेलर देखता हूँ, दिल खुश हो जाता है कि यार वाकई मेहनत हुई है, किसी भी एस्पेक्ट से इन्होंने कोई कमजोरी नहीं रखी होती। कमाल कर देते हैं, एक्शन कमाल, मजा आ जाता है देखने का यार। तो 13 जनवरी को यार ये रिलीज हो रही है, तो आप लोग चाहिएगा करीबी सिनेमा में जरूर देखिएगा, सपोर्ट करो। और ऐसी मूवीज को तो बिल्कुल ज्यादा सपोर्ट करो, सिनेमे में ही देखा करो, बहुत ही मजे का ट्रेलर है। मूवी से एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा, तो मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।